गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रितिका राठौर फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपका चैप्टर 11 द सॉकेट वन कंप्लीट किया था। आज हम आपका चैप्टर 12 रीड करेंगे जिसका नाम है गोपाला। गोपाला नाम का एक लड़का है, उस पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। रीड एंड रिजॉयस। गोपाला लिव्ड विद हिज मदर। गोपाला अपनी माँ के साथ रहता था इन अ विलेज। विलेज मतलब गांव में, जस्ट आउटसाइड अ ह्यूज फॉरेस्ट, जो कि गांव कहाँ था, बाहर था, किससे, एक बड़े से जंगल के ठीक बाहर था वो गांव। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज अ बेबी। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब वो बच्चा था, बेबी था। हिज मदर वर्कड इन हिज फील्ड। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ गोपाला एंड लुक आफ्टर हिम वेल। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ गोपाला। वो गोपाला से बहुत प्यार करती थी और वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। गोपाला लुक्ड आफ्टर हिम वेल। वो अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करती थी। कौन? उसकी मदर। व्हेन गोपाला वॉज 5 ईयर ओल्ड हिज मदर सेंड हिम टू स्कूल। अब इसमें क्या लिखा है कि गोपाला जब 5 ईयर्स ओल्ड मतलब 5 साल का हो गया था, तब उसकी माँ ने उसको स्कूल भेज दिया। टू गेट टू स्कूल ही हैड वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। स्कूल जाने के लिए उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। गोपाला को स्कूल जाने के लिए जंगल की ओर गुजरना होता था। ही डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल फॉर ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह जंगली जानवरों से डरता था। गोपाला को जंगल के बीच में से जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसको डर लगता था। किससे? वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से। ऑफन कमिंग होम इन द इवनिंग ही हियर्स स्ट्रेंज साउंड इन द फॉरेस्ट। अक्सर शाम को जब वो घर आकर उसी जंगल से, उसको क्या अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। जब वो शाम को स्कूल से वापस घर की ओर आता था तो उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कहाँ से? उस फॉरेस्ट में से। देन ही रन ऑल द वे होम टिल ही वॉज सेफ इन हिज मदर्स आर्म्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? देन ही रन, फिर वो वहां से भागते हुए ऑल द वे होम अपने घर की ओर, टिल ही वॉज सेफ इन हिज मदर्स आर्म। वो अपने आप को सेफ कहाँ मानता था? अपनी मदर्स की आर्म्स में। विद द पैसेज ऑफ द टाइम गोपाला फियर kept growing. One day he said, "Mother, I do not want to go to school from tomorrow. I shall help you in the field." फिर इस लाइन का क्या मतलब है, क्या लिखा है? With the passage of time, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, गोपाला फियर kept growing. गोपाला का डर भी बढ़ता जा रहा था। One day he said, "Mother, I do not want to go to school. वो अपनी माँ को एक दिन बोलता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। फ्रॉम टुमारो मतलब मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। आई शैल हेल्प यू इन द फील्ड, मैं आपकी हेल्प करूँगा खेतों में काम कर, मदद करके आपकी खेतों में काम करने में। वॉट इज द मैटर माई सन, नेक्स्ट पेपर ओपन करो। नेक्स्ट पेपर पर लिखा है, वॉट इज द मैटर माई सन, हिज मदर आस्क पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हिम। Don't you like school? इस लाइन का मतलब है, फिर वो उसकी माँ पूछती है, What is the matter, my son? क्या बात है बेटा? His mother asks, putting his arm around him, उसको अपनी गोद में लेकर। Don't you like school? क्या तुम्हारी स्कूल पसंद नहीं है? It is not that, Gopala said. Gopala बोलता है, ऐसा नहीं है। I frightened the way through the forest. मुझे जंगल के रास्ते से डर लगता है। उसकी माँ ने जब ये पूछा कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है, तो गोपाला ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो रास्ता अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है उस रास्ते पे जिस रास्ते से वो स्कूल जाता है।
The night Gopala mother prayed off to Lord Krishna to protect her son, she was his devotee and had named her little son after him. फिर उस रात गोपाला की माँ ने अपने बेटे की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी. मतलब उस रात को गोपाला की मदर ने प्रे किया था लॉर्ड कृष्णा से, भगवान कृष्णा से, कि वो अपने उसके सन को प्रोटेक्ट करे. शी वॉज हिज डिवोटी एंड नेम्ड हर लिटल सन आफ्टर हिम. वह अपनी भक्त वो उनकी भक्त थी और उन्होंने अपने छोटे बेटे के नाम से उनके नाम पर रखा. उन्होंने उसकी मद गोपाला की मदर ने श्री कृष्ण के नाम पे गोपाला का नाम रखा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी शेड गोपाला, डू यू नो दैट आई हैव ए सन इन द फॉरेस्ट हु इज ऑल कॉल्ड गोपाला. ही इज ए काउ हर्ड. वेन एवर यू आर फ्राइटेंड जस्ट कॉल आउट टू हिम, ही विल श्योरली कम. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? इस पैराग्राफ का मतलब है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो रात को प्रे करती है श्री कृष्ण से कि मेरे सन की हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने बेटे गोपाला को बोलती है, डू यू नो, तुम्हें पता है, डैट आई हैव अ सन इन द फॉरेस्ट, मेरा एक और बेटा है जो कि फॉरेस्ट में है. हु हैज ऑल कॉल्ड गोपाला, तुम उसे गोपाला भी बोल सकते हो. ही इज ए कावर्ड, वो चरावन मतलब गाय चराने वाला है. वेन एवर यू आर फ्राइटेंड जस्ट कॉल आउट टू हिम, ही विल श्योरली कम. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी तुम डरोगे, कौन बोलता है? उसकी मदर. किसको? गोपाला को. कि जब भी तुम उस जंगल के रास्ते हुए जाते हुए जब भी तुम्हें डर लगेगा, तुम उनका नाम ले लेना, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे. वो किन की बात कर रही थी? श्री कृष्ण की बात कर रही थी. गोपाला वॉज हैप्पी दैट डे. ही स्टार्टेड आउट द नो फियर इन हिज हार्ट. इन द इवनिंग वाइल कमिंग होम इट बिकम अ वेरी डार्क, सो इट कॉल्ड आउट, ओ काउहर्ड ब्रदर, कम एंड टॉक टू मी. गोपाला उस दिन हैप्पी था. गोपाला वॉज हैप्पी डैट डे ही स्टार्टेड आउट द नो फियर इन हिज हार्ट. उसके दिल में उस दिन कोई भी डर नहीं था. इन द इवनिंग वाइल कमिंग होम इट बिकम अ वेरी डार्क. वापस घर आते वक्त इवनिंग में अंधेरा हो गया था. सो ही कॉल्ड आउट, ओ काउहर्ड ब्रदर, कम एंड टॉक टू मी. तो वो वहाँ पे अपने ब्रदर, उसने पुकारना स्टार्ट कर दिया. किसको? काउहर्ड ब्रदर को, कि आओ और तुम मुझसे बात करो. कम एंड टॉक टू मी. एट वंस थ्रू द बशेस ही हियर्ड अ क्लियर रिंगिंग वॉइस. आई एम कमिंग लिटल वन. एंड द ब्यूटिफुल बॉय जस्ट लिटल ऑल्डर देन गोपाला स्टेप्ड आउट. ही स्माइल स्वीटली दैट गोपाला लव्ड हिम एट वंस. अब इस पैराग्राफ का मतलब है इस पैराग्राफ का कि एट वंस थ्रू द बशेस ही हियर्ड अ क्लियर वॉइस रिंगिंग वॉइस. तुरंत उसने झाड़ियों से एक क्लियर वॉइस को सुना. आई एम कमिंग लिटिल वन, कि मैं आ रहा हूँ. एंड अ ब्यूटिफुल बॉय जस्ट अ लिटिल ऑल्डर देन गोपाला. और उन झाड़ियों से एक छोटा बच्चा जो कि गोपाला से थोड़ा ही बड़ा था वो वहां से आता है. ही स्माइल सो स्वीटली दैट गोपाला लव्ड हिम एट वंस. उस लड़के की स्माइल इतनी अच्छी थी कि गोपाला उसको पसंद करने लग गया था. लव्ड एट हिम एट वंस. गोपाला वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. ही हिज काउहर्ड ब्रदर थ्रो आउट ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गेम टू प्ले एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑल द वे द स्कूल एंड बैक. अब इस पैराग्राफ का मतलब है गोपाला को अब कोई डर नहीं था. गोपाला वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. हिज काउहर्ड ब्रदर, उसके भाई ने खेलने के लिए सबसे मोस्ट वंडरफुल गेम टू प्ले एंड टोल्ड हिम स्टोरीज. जो उसका भाई था काउहर्ड वाला ब्रदर, उसने उसको गेम बहुत वंडरफुल गेम के बारे में बताया और टोल्ड हिम स्टोरी ऑल द वे टू स्कूल एंड बैक. और स्टोरी सुनता था जब वो स्कूल से वापस आता था. वन डे द स्कूल टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही वॉज प्लानिंग फीस्ट एंड ही आस्क ईच चिल्ड्रन टू ब्रिंग समथिंग टू ईट. द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड एंड ईच बूस्टेड
और वॉट हिज मदर वुड गिव हिम. इस पैराग्राफ का मतलब है, वन डे द स्कूल टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट वॉज ही प्लानिंग अ फीस्ट. वन डे स्कूल में बच्चों को ये बोला गया कि हमें एक फीस्ट मतलब एक दावत की तैयारी करेंगे, तो सबको अपने घर से कुछ कुछ खाने के लिए लेके आना है. द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड एंड ईच बूस्टेड ऑफ वॉट हिज मदर वुड गिव हिम. सब बच्चे एक्साइटेड थे कि उनकी मदर उनको क्या देगी कल दावत में खाने के लिए. गोपाला डिड नॉट आस्क हिज मदर फॉर एनीथिंग, दे वर सो पुअर. गोपाला ने जाकर अपनी मदर को कुछ भी नहीं खा था क्योंकि वो बहुत गरीब था. दे हार्डली हैड इनफ फॉर देमसेल्फ, उनको खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ मिलता था. द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉक टू स्कूल गोपाला टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट द फीस्ट. नेक्स्ट डे जब वो स्कूल की ओर जाता है तो गोपाला अपने जो काउहर्ड वाले ब्रदर है उसको इस फीस्ट मतलब इस दावत के बारे में बताता है. द काउहर्ड एट वंस गेव हिम अ बाउल ऑफ बटर मिल्क विच ऑल चिल्ड्रन लव. गोपाला ने अपने ब्रदर को इस बारे में बताया था तो जो उसका ब्रदर है द काउहर्ड एट वंस गेव हिम बाउल ऑफ बटर मिल्क, तो उसके ब्रदर काउहर्ड ब्रदर ने उसको क्या गोपाला को एक काउहर्ड बटर मिल्क का एक बाउल दिया जिसे सारे चिल्ड्रन पसंद करते हैं, सब बच्चों को वो पसंद है. गोपाला कैरीड इट केयरफुली ऑल द वे टू स्कूल टेकिंग केयर नॉट अ स्पिल अ सिंगल ड्रॉप. गोपाला उसको उस बाउल को इतनी अच्छे से लेके जाता है स्कूल की तरफ कि उसमें से एक भी बूंद नीचे ना गिरे. द टीचर थैंक गोपाला फॉर हिज गिफ्ट एंड गेव ऑल द चिल्ड्रन सम बटर मिल्क फ्रॉम द बाउल. इट वॉज डिलीशियस एंड चिल्ड्रन क्लैमर्ड फ्रॉम मोर. इट मस्ट बी फिनिश्ड नाउ थ्रो द टीचर. अब इस पैराग्राफ का मतलब है क्या, इस लाइन का क्या मतलब है. द टीचर थैंक गोपाला, टीचर ने गोपाला को थैंक कहा फॉर हिज गिफ्ट एंड गेव ऑल द चिल्ड्रन सम बटर मिल्क फ्रॉम द बाउल. गोपाला को थैंक्स बोल के उन्होंने सारे बच्चों को उस बटर मिल्क को शेयर किया. इट वॉज अ डिलीशियस एंड द चिल्ड्रन क्लैमर्ड फ्रॉम मोर. बच्चे चिल्लाते हुए जोर जोर से बोलने लगे कि ये तो बहुत डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट है. इट मस्ट बी फिनिश्ड नाउ थ्रो द टीचर. जब भी वो बच्चों को वो बटर मिल्क बांटते थे तब वो उस कटो बाउल में देखते थे कि अब ये खत्म, शायद ये खत्म होने वाला है. बट वेन ही पिक्ड अप द बाउल इट वॉज अ फुल, लेकिन वो जैसे ही उस बाउल को पकड़ते थे वो बाउल भरा हुआ ही रहता था. इट वॉज फुल. अगेन एंड अगेन ही सर्व द बटर मिल्क एंड वॉज द एस्टोनिश टू फाइंड दैट द बाउल वॉज ऑलवेज फुल. वो बार बार उस बटर मिल्क को बच्चों को बांटने लगे लेकिन वो बटर मिल्क खत्म ही नहीं हो रहा था, वो बाउल ऑलवेज फुल रहता था. गोपाला ही आस्क वंडरली वेयर डिड यू गेट फ्रॉम बटर मिल्क. वो गोपाला को बुलाते हैं आश्चर्य से, वेन डिड यू गेट दिस बटर मिल्क, तुम ये बटर मिल्क कहाँ से लेके आए. माई ब्रदर इन द फॉरेस्ट गेव इट टू मी, सेड गोपाला. तो गोपाला आता है और बोलता है कि ये मुझे मेरे ब्रदर ने दिया जो कि फॉरेस्ट में रहता है. He is a coward. Will you take me to him? Asked the teacher. अब इस लाइन का मतलब है, फिर उसके टीचर बोलते हैं क्या तुम उससे मुझे मिलाओगे. Asked the teacher. कौन बोलता है, टीचर बोलता है गोपाला का, क्या तुम अपने भाई से जो फॉरेस्ट में रहता है तुम उससे मुझे मिलाओगे. नीचे देखते हैं. Now complete the end of the story using the word from the clue box. अब इस स्टोरी का, अब इसमें नीचे क्या करती है स्टोरी में, स्टोरी का एंड हमको करना है. कुछ ऊपर क्लू बॉक्स दे रखे हैं, उन क्लू बॉक्स को फिल करके स्टोरी का एंड हम करेंगे. तो ये आप बुक में ही फिल कर लेना. ऊपर आपको क्लू बॉक्स देख रखा है, उसमें आपको जो वर्ड दे रखे हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, फिर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी. तो स्टोरी का एंड हम करते हैं, जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे वैसे आप बुक में लिख लेना और मैं आपको साथ साथ रीड करके भी समझा दूंगी. दे बोथ वॉक्ड इनटू द ब्लैंक. तो वो दोनों कहाँ चल दिए थे,
फॉरेस्ट में किससे मिलने के लिए? तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेस्ट। तो क्लू बॉक्स में फॉरेस्ट कब है? तो फॉरेस्ट, दे बोथ वॉक इन टू द फॉरेस्ट। फिर टीचर और गोपाला दोनों फॉरेस्ट की ओर जाने लग गए। गोपाला कॉल्ड आउट, ब्रदर डियर काउ हर्ड ब्रदर, कम एंड मीट माई टीचर। तो यहाँ पे आएगा टीचर। फिर गोपाला अपने ब्रदर को बुलाता है, ब्रदर डियर काउहर्ड ब्रदर, कम एंड मीट माय टीचर, आओ और तुम मेरे टीचर से मिलो। ही वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द, फिर इसमें क्या आएगा? डिलीशियस, डिलीशियस आ जाएगा इसमें, तो आप भी लिख दो डिलीशियस। गोपाला अपने ब्रदर को बुलाते हुए ये बोलता है कि वो तुम्हें थैंक यू बोलना है डिलीशियस बटर मिल्क के लिए जो कि तुमने मुझे दिया था। नेक्स्ट डे देन दी हियर्ड अ वॉइस, योर टीचर कैन नॉट सी इन अ लिटल वन, यू सो मी बिकॉज ऑफ योर्स। योर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या आएगा? मदर। तो इस लाइन का मतलब है, हु रियली लव्स मी, शी आस्क माई हेल्प। तो यहाँ पे आएगा हेल्प। गोपाला यहाँ पे आएगा ब्रदर। ए तो नीचे वाली लाइन्स का मतलब है, देन दे हियर्ड अ वॉइस, योर टीचर कैन नॉट मी सी लिटिल वन। तो फिर वहां से जब ये गोपाला आवाज लगाता है अपने ब्रदर को, तो वहां से एक आवाज आती है कि तुम्हारे टीचर मुझको नहीं देख सकते, यू सो मी बिकॉज ऑफ योर मदर, तुमने मुझे देखा क्योंकि तुम्हारी मम्मी की वजह से, तुम्हारी मदर की वजह से। यू रियली लव्स मी, जो कि मुझे सच्ची में प्यार करती है। शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, उन्होंने मेरी हेल्प मांगी थी। गोपालास ब्रदर वॉज नन ऑफ अदर देन द लविंग लॉर्ड कृष्णा। गोपाला का ब्रदर और कोई नहीं था, कौन थे? श्री कृष्णा थे। तो ये चैप्टर का एंड है। क्या हुआ इस चैप्टर को रीड करते हैं एक बार वापस, मैं ये रफ कर रही हूँ, आप ये बुक में फिल कर लेना। इस चैप्टर में गोपाला नाम का लड़का था, जो कि विलेज में रहता था। विलेज कहाँ था? एक घने जंगल की बाहर था। फिर और गोपाला के फादर नहीं थे, उसकी मदर फील्ड में काम, खेतों में काम करती थी। 5 ईयर ओल्ड होने के बाद मदर ने उसको स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल का रास्ता, स्कूल के रास्ते में बीच में क्या आता था? जंगल आता था, जो कि गोपाला को पसंद नहीं था। फिर वो घर आके जिद करता है कि वो अगले दिन स्कूल नहीं जाएगा और अपनी मदर की हेल्प करवाएगा। उसकी मदर उससे पूछती है कि उसको स्कूल पसंद नहीं है, तो अपनी बात बताता है कि उसे उस रास्ते से जाना पसंद नहीं है। उस रात उसकी मदर गोपाला की मदर प्रे करती है श्री कृष्णा से, जिसकी वो भक्त है, डिवोटी है, कि वो उसके सन की हेल्प करे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो गोपाला को उसके ब्रदर काउ हियर्ड ब्रदर के बारे में बताती है कि जब भी तुम प्रॉब्लम में होगे उनको आवाज लगा देना, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट डे गोपाला को डर नहीं लगता है। वापस आते वक्त शाम हो जाती है, डार्क हो जाता है, तो वो अपने ब्रदर को बुलाता है। तो झाड़ियों से एक लड़का बाहर आता है जो कि गोपाला से थोड़ा ही बड़ा होता है। वो गोपाला को आते जाते स्टोरी सुनाता है, गेम्स खेलते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, टीचर्स ने प्लानिंग किसकी की थी? फीस्ट की, जो कि दावत के बारे में, कि सब अपने घर से नई नई चीजें लेके आएंगे और हम यहाँ पे दावत करेंगे। सब बच्चे एक्साइटेड होते हैं लेकिन गोपाला नहीं होता है। गोपाला अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताता है इसके बारे में, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। उस दिन वो सुबह अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को बताता है, जो कि कौन थे? श्री कृष्ण थे। उनको बताने के बाद
उन्होंने उसको क्या दिया था, बटर मिल्क दिया था जो कि सब बच्चों को पसंद है। गोपाला उसको स्कूल लेके जाता है, फिर उसके जो टीचर है वो सबको गोपाला को थैंक यू बोलते हैं और सब में वो बटर मिल्क शेयर करने लगते हैं। वो जब भी उस बाउल को देखते थे वो हमेशा फुल ही रहता था। फिर वो गोपाला को आश्चर्य से बुला के पूछते थे कि तुमने ये बटर मिल्क कहाँ से लिया। फिर वो श्री कृष्ण के बारे में, अपने काउहर्ड ब्रदर के बारे में बताता है, तो टीचर उनसे मिलने की बात करते हैं। फिर नीचे हमने ये स्टोरी कंप्लीट की थी, तो वो दोनों जाते हैं जंगल में और गोपाला आवाज लगाता है अपने काहर ब्रदर को ऐसे बोलते हुए कि वो उसके टीचर उनसे मिलना चाहते हैं। फिर उनको एक वॉइस, मतलब एक आवाज सुनाई देती है कि वो अब उसके टीचर से नहीं मिल सकते, वो तुमसे मिले, वो तुमको दिख सकते हैं, क्योंकि उसकी गोपाला की मदर की वजह से, क्योंकि गोपाला की मदर ने हेल्प मांगी थी श्री कृष्ण से और वो उनकी डिवोटी, उनकी भक्त थी, तो उनकी हेल्प, गोपाला की हेल्प करने के लिए श्री कृष्ण आए थे। तो और लास्ट लाइन क्या लिखी है, गोपाला का ब्रदर और कोई नहीं था, कौन था, लविंग श्री कृष्ण थे। ओके इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज आपको मैंने जो चैप्टर रीड कराया है वो आप एक बार वापस रीड कर लेना, डिफिकल्ट वर्ड नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।